तो जिस राज्य में संभावनाओं का खुला आकाश है, जिसको बहुत कुछ करना है, जो कोरा कागज है, जो कुछ होगा अभी से रचा जाएगा, राजनीति का स्तर गिर गया है। यह होना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ 74 मूवमेंट हुआ था। लालू प्रसाद यादव वो अपने को राजा ट्रीट करते थे। उन बहुत मौके आए हैं जब उन्होंने कहा कि हथवा नरेश से भी हम बड़े हो गए इत्यादि, और राजा ही ट्रीट करते थे। इसीलिए वो ये कहते थे कि राजा का बेटा राजा होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ बहुत लचर है, इतना लचर है कि उसको एक ही मिसाल दे दें कि 26 बार अखबार में छपा होगा कि बिहार के 26 शहरों को चकाचक बनाएंगे, तो बयानों पर चल रहा, अभी देश में भी ऐसा चल रहा है। पटना शहर के जितनी भी सड़कें हैं मेन रोड छोड़ करके, वो पर्वतारोहण का एहसास दिलाती हैं। ट्रैकिंग करने जाना है तो कहीं नहीं जाइए, बिहार में मोहल्ले से मेन रोड तक आप चले जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूँ सोनालिका आपके साथ। विमर्श न्यूज आपके लिए लेके आया है ये नया प्रोग्राम जिसका नाम है बिहार की संभावनाएं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रियदर्शी जी, आइए उन्हीं से बातें करते हैं। नमस्कार प्रियदर्शी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिहार में अगर कुछ है तो क्या है? देखिए सोनाली का, बिहार की जो संभावनाएं हैं वह अभी कोरे कागज की तरह है, यानी कि सब कुछ है और सब कुछ संभावित है। अब तीन बात जरूर है, यहाँ पर जांचा परखा हुआ एक श्रम शक्ति है, मैन पावर है, उसको जन संसाधन कहेंगे। दूसरा जमीन है, उर्वर जमीन है, और ऐसी जमीन, ऐसी धरती, ऐसी भूमि बहुत कम जगह मिलती है, और जगह भी है लेकिन बहुत कम जगह जमीन है। और तीसरा है जल संसाधन, जल संसाधन का विपुल खजाना, वह भी अनएक्सप्लोर्ड है, उसका उपयोग नहीं करते हैं लोग। बिहार के रिसोर्सेज के बारे में पहले बात करें तो सिनॉप्सिस लेने की हम लोग कोशिश करें। सिनॉप्सिस जब लीजिएगा तो मैंने तो आपके पहले प्रश्न में ही इसकी शुरुआत कर दी थी जी। कि है हमारे पास, और इन सब चीज़ों के बावजूद हम बैकवर्ड हैं। बिहार के विकास बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कहाँ से विकास, तो देश अपने तरीके से, एक पूंजीवादी तरीके से पटरी पर आया है और वो मुकाबला करने के मूड में है, हालांकि उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन अपना प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश कुछ साल पहले जैसा था और हम जैसे थे, तो आज आंध्र से भी हम बहुत अंतर में हैं और उड़ीसा से भी बहुत अंतर में है। वहाँ अभी भी गरीबी है, गरीब इलाके हैं, लेकिन फिर भी जो उड़ीसा की स्थिति है उससे भी हम पीछे हैं। तो बिहार की सिनॉप्सिस जब लिखेंगे तो बिहार में अंतर्निहित संभावना, बिहार का जो डायनेमिक्स है, गत्यात्मकता, गति जी, और बिहार के श्रम शक्ति में जो संभावना है, जिसको मैं कहता हूँ कि श्रमशीलता का परचम लहराते हुए लोग, हालांकि ये अपनी मजबूरी में मारे मारे फिर रहे लोग हैं दूसरी जगह काम के लिए, और कई बार सब कुछ लगा करके वो बाहर काम के लिए जाते हैं और नहीं मिलता है, रिवर्स माइग्रेशन होता है। लेकिन बिहारियों ने आज से 40 साल पहले की अपनी छवि बदली है, वो मजबूरी में जाते हैं, इसलिए पूरे बिहार की छवि नहीं बदली है, लेकिन बिहारी श्रमिकों की श्रमशीलता का परचम लहर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि आपने कहा, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों में जीवन, और तीसरा मुख्य संसाधन है जल संसाधन। जैसा आम तौर पर कहा जाता है जल जमीन और जंगल, यहाँ जन जमीन और जंगल संशोधन कहेंगे। जी हाँ, जन जमीन और जल जंगल नहीं, जन जंगल है यहाँ। यहाँ 20 लाख एकड़ जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन है, हालांकि वो सब छिछला वन है। वो मैंने उसको देख करके कोई यहाँ कह सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ वाइंड अप कर देना चाहिए, और अभी उस पूरे जल जमीन जंगल की जमीन पर पूरा लूटमारी चला हुआ है। करोड़ों पेड़ लगाएंगे, सब ड्रामा होगा, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को तबाह किया जाएगा। तो खैर,
जंगल है, लेकिन असल जो संसाधन है वह है जल के खजाने का रूर। बार बार मैं कहता हूँ और कहते रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि जल संसाधन को नियोजित नहीं किया जाए। देखिए सोनल जी, यहाँ लोग बाहर से आए इस वजह से कि जल संसाधन यहाँ था और ज़मीन अच्छी थी, प्लेन, हिमालय और गंगा के बीच का तराई प्लेन इलाका, जहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि गंगा जब बिहार में आती है और जब बंगाल में आती है तो हर किलोमीटर पर एक मीटर का झुकाव होता है जी। मतलब वो कोई तेज, वो कोशी जिस तरह से नेपाल की पहाड़ियों से गिरती है वैसा बहाव नहीं होता है। तो ये एक प्लेन जमीन पर यहाँ पर एक बहुत ही जल लिए हुए गुजरने वाली नदी भी है, तो ये हमारे पास तीनों साधन हैं। तो मैं फ्रेज को जो परंपरा से चलता है जल जमीन और जंगल, उसकी जगह पर जैसा आपने कहा पसंद करता हूँ। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि ये जन जमीन और जल संसाधन का प्रदेश है, जल का रूर है, जनता का भी ये एक खजाना प्रदेश है और यह इस तरह से यही फ्रेज बनेगा जी। परंतु बिहार का लीडरशिप यानी ह्यूमन रिसोर्स का अगला हिस्सा, यहाँ प्रतिभा का भी तो पलायन हुआ है। पलायन पर आप आ गई, पलायन तो हुआ ही है जी। हमारे पास संसाधन है, लेकिन जाहिर है कि अगर देखिए कि इसी इलाके में हम रहते हैं और मेरे पास एक पैसा नहीं है, हम कुछ उद्यम नहीं कर सकते हैं, केवल मकान में रहेंगे, तो एक बढ़िया जमीन पर रहने वाली भारी आबादी और जल संसाधन के नाम पर तबाही, बाढ़, तो इस तरह से ये हम लोग जो बात कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास है नहीं, अपने विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं बनाया है, इस वजह से पलायन होता है। कॉलेज स्कूल का की अधिरचना कोई कमज़ोर थी, अभी वो तुलना मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। अधिरचना बहुत अच्छी थी एक समय में, तो बहुत अच्छी थी। संबलपुर यूनिवर्सिटी है, लेकिन संबलपुर के लोग तो एमए करने के लिए यहाँ आते थे। हमारे मित्रों के जो पिता हैं वह एमए करने के लिए पटना कॉलेज आते थे, पटना साइंस कॉलेज भी उस समय नहीं था। तो यहाँ उच्च शिक्षा का और प्राथमिक शिक्षा का दोनों के क्षेत्र में विध्वंस किया गया है, उसका विनाश किया गया है, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप की अक्षमता की वजह से नहीं बल्कि इंटेंशनल प्रयास की वजह से है कि शिक्षा को उन्होंने ध्वस्त किया। नतीजतन यहाँ आप प्लस टू करने के बाद मजबूर हैं कि ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएं। अगर आपको पढ़ाई पूरा करके नौकरी में जानी है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, जहां सप्ताह में 5 दिन 8 घंटे क्लास में बैठने और वर्क करने का अभ्यास करना पड़ता है। तो एक काम करने वाला स्टूडेंट स्पिरिट बनता है, जो कि बिहार के कॉलेजों में नहीं है, क्लास नहीं होते हैं जी। तो इस वजह से ये जरूर है कि प्रतिभाओं का पलायन पढ़ने के लिए होता है, और पढ़ने के बाद फिर बिहार आ गए कुछ नहीं होगा, बिहार में कंपनियाँ नहीं हैं, बिहार में अवसर नहीं हैं, इस वजह से फिर जाकर के वो बेंगलोर बैठेंगे या अन्य शहरों में नौकरियों के इंतजार में। तो ये प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। हमारी जो प्रतिभा है हमारी ज़मीन पर लग करके, हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा करके, हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा करके मैंने समृद्ध नहीं बना रही है हमारी प्रतिभा। राजनीति बहुत पिछड़ी हुई है, अभी के मुख्यमंत्री के बोल और अभी विपक्षी दल बीजेपी के नेतृत्व का अभाव एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। हम लोग निश्चित तौर पर जो आपके पिछले प्रश्न से ही सोनालिका जी हम लोग आ गए थे कि शिक्षा कैसे बर्बाद हुई तो राजनीतिज्ञों ने किया, तो राजनीति का स्तर गिर गया है। यह होना नहीं चाहिए था, चूँकि यहाँ 74 मूवमेंट हुआ था और 74 मूवमेंट के बाद कांग्रेस तक में नया लीडरशिप जो गया 74 मूवमेंट के बाद जो परिवेश बना उसकी वजह से, 74 मूवमेंट के बाद देश भर में जो प्रगतिशील विषय किताबों में घोषणाओं में रहते थे वो सड़क पर आ गए। 74 आंदोलन से प्रेरित होकर के देश भर के एक्टिविस्ट समूहों ने अपने यहाँ राजनीति का एक स्केल, एक पैमाना ऊंचा किया। तो यहाँ से सभी तरह के आंदोलनों में, सभी पार्टियों में 74 मूवमेंट के बाद लोग आए जो कि कल्पनाशील लोग थे। तब उन दलों के जो दिग्गज थे, जो घाघ लोग थे,
उन लोगों ने इतनी प्रतिभाओं को जिस तरह से कुंद किया और मारा, तो यहाँ की राजनीति बहुत ही कमज़ोर है। और नीतीश कुमार के जो बोल हैं वो चाहे जो पार्टी के लोग कह दें, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर वह पर्सनालिटी नहीं है जो पैसे के बल पर कुछ पुल पुलिया निर्माण में दिख जाता है कि बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। वह दिमागी तौर पर बहुत ही कुंद दिमाग के आदमी जाहिर हो रहे हैं, और इसलिए ही कुछ लोगों को लगता है कि उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उनकी शैली बैकवर्डनेस के लिए नीतीश कुमार से भी ज़्यादा अच्छी मिसाल थे जो वर्षों तक शासन में थे, लालू प्रसाद यादव। वो अपने को राजा ट्रीट करते थे। उन बहुत मौके आए हैं जब उन्होंने कहा कि हथवा नरेश से भी हम बड़े हो गए इत्यादि, और राजा ही ट्रीट करते थे। इसीलिए वो ये कहते थे कि राजा का बेटा राजा होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर होगा। तो वो राजतंत्र वाला ही लॉजिक लेके चलते थे। लेकिन उनके जो बैकवर्ड बोल, और उधर क्रांतिकारियों में MCC जैसा संगठन था जिनके पास अपना जेल नहीं था, तो अगर वो कह रहे हैं कि हमारा राज है हमारा समाज है, तो किसी को उनको आजीवन कारावास देना है तो उसका वो गर्दन काट देते थे, कम सजा देनी है तो नाक काट देते थे। तो ये बैकवर्ड किस्म की क्रांतिकारी राजनीति और बैकवर्ड किस्म का यहाँ का राजा राजनेता, उसी परंपरा में आ जाते हैं नीतीश कुमार आज के दौर पर। उनकी जो बोली है पिछले दिनों असेंबली में, ये दो ही मौके पर चर्चा हो रही है लेकिन 4-5 मौके पर। इसी तरह से हमारी राष्ट्रपति आई थी द्रौपदी मुर्मू, उनकी सभा में जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ एकदम भी राजनेता हैं, और इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो बोल हैं वो राजनीतिक पिछड़ेपन के सूचक हैं। पिछड़े दिमाग के लोग जो हैं, दिमाग लगा करके मतलब मानसिक दरिद्रता से वो पूरे राज्य का एक समृद्ध राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहार के नेतृत्व पर और पिछड़े नेतृत्व पर बात करते तो लालू यादव कल्ट पर भी बात करेंगे। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाया, और अब वो निष्ठा के साथ अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। राजनीति का ये कल्ट है, मतलब बताइए, बिहार जैसा राज्य जो संभावना प्रदेश था वो ये इस तरह के व्यसन को बर्दाश्त कर रहा है कि मुख्यमंत्री ये दावा करता है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा। इसके बारे में बहुत अच्छा एक्सपोज करते रहते हैं प्रशांत किशोर, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि लालू प्रसाद यादव की हर चंद कोशिश है कि जितनी जल्दी वो मुख्यमंत्री पद पर चले जाएं, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाए, जो उनके नाम पर जितने भ्रष्टाचार किए गए हैं जिसमें उनका नाम आता है, तो थोड़ा उनको एक कवर मिल जाए, एक सुरक्षा कवच मिल जाए। तो बिहार के लालू प्रसाद यादव खुद मुख्यमंत्री थे, और एक दिन अभी हाल में बोल रहे थे कि हम अपनी पत्नी को नहीं चीफ मिनिस्टर बना देते, तुम्हारी पत्नी को बना देते। तो इस लेवल की वार्ता एक बार, अब तो दिवंगत हैं रामविलास पासवान, तो रामविलास पासवान और लालू संवाद जब चलता था बयानों का, तो इसी तरह की बातें समझ में आती थी। तो जिस राज्य में संभावनाओं का खुला आकाश है, जिसको बहुत कुछ करना है, जो कोरा कागज है, जो कुछ होगा अभी से रचा जाएगा, अन्य राज्यों में है कि आप नहीं कर सकते हैं, अडानी और अंबानी का जो स्ट्रक्चर है उससे विरुद्ध जा करके अब उसी स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पूंजीवाद ही चल रहा है, पूंजीवादी कंजम्पशन ही हम करते हैं, इन्हीं उद्योगों की चीज़ का उपयोग करते हैं। बावजूद इसके अगर बिहार के विकास की कोई कल्पना होगी तो यह एक कोरा कागज की तरह है, इसमें एक अच्छा चित्र बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे राजनेताओं के बदौलत जो कि इतना बैकवर्डनेस राजनीति में ठेलते रहते हैं। जी सोना जी, बिहार की संभावना पर बात करते समय नीतीश कुमार पर भी बात करेंगे। इन्होंने बिहार के बजट को, बिहार के प्लान को काफ़ी कुछ बढ़ाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नीतीश कुमार के कार्यालय में काफ़ी कुछ योगदान हुआ है। नीतीश जी के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ कार्य हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। जब ये कार्यकाल नहीं था तब वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह एनसीएन इंस्टीट्यूट में आए थे, और उन्होंने बेतकल्लुफ होकर के ये कहा था कि बिहार के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर
मैं 1996 2000 में बिहार के 24 जोन के 24 गांव में एक स्टडी के लिए गया था, और प्रायः उसमें से 18 जो जगह हैं वहां जाना एकदम ही इम्पॉसिबल था, दुर्गम था। आधे घंटे की दूरी को हम लोग 2 घंटे में जीप से तय करते थे, तो सड़क का नहीं था। ठीक है, अब सड़क है, इसलिए कि उन्हीं जगहों पर जहां हम 1999-2000 में गए थे, उन्हीं जगह पर जब 2012 में गए तो सभी गांवों तक सड़क से पहुंच सके, तो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, बिजली, बिजली आई करके नरेंद्र मोदी एक चुनाव में जब मुजफ्फरपुर की सभा में बोल रहे थे, तब बिहार में बिजली आई थी, आ गई थी और आ रही थी। और अभी कुछ ऐसे गांव जो अभी रडार पर नहीं है उनको छोड़ दें, तो बिहार के सभी 48,000 गांव में बिजली पहुंच गई है, और ज़्यादातर इलाकों में बिजली 20 घंटे से ज़्यादा, और कई इलाके में गांवों में पटना शहर से भी ज़्यादा बिजली उपलब्ध रहता है, तो बिजली का इंफ्रा। लेकिन तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो किसी विकास के पहले जो अधिरचना की आवश्यकता होती है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, राजनीति, दोनों चीज़। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ बहुत लचर है, इतना लचर है कि उसको एक ही मिसाल दे दें कि 26 बार अखबार में छपा होगा कि बिहार के 26 शहरों को चकाचक बनाएंगे, तो बयानों पर चल रहा, अभी देश में भी ऐसा चल रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार भी इसी तरह से बयानबाजी कर रही है, लेकिन बिहार इसमें एकदम परंपरागत है। जब नीतीश आए थे उस साल पता चला था कि जो कूड़ा है उससे ईंधन बनाएंगे, और अभी भी ये बात चल रही है कि कूड़ा से ईंधन बनाएंगे, ये केवल घोषणा पर घोषणा, एक प्रोजेक्ट, एक संयंत्र इसके लिए नहीं लगाया गया है। देखिए, गंगा नदी से के जल संसाधन से 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो ये बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि पहले गंगा नदी के, तो इनको इधर उधर की बात बोलनी है, बहलाना है। ठीक है, जैसे कि कोशी बाढ़ में वहाँ के कमिश्नर जो हैं एक लकड़ी का पालना झूला रहे थे कि बच्चों को दिया जाए एक पालना। कोशी 2008 का जो बाढ़ है उसमें ऐसे लाखों पालना की ज़रूरत थी, मतलब बच्चों के पालने के लिए। तो इस तरह का ये एक मजाक, इस तरह का एक मजाक करते हैं। मजाक केवल ब्रिटेन की एक रानी ने नहीं किया था कि रोटी नहीं है तो लोग जो हैं वो आपको पेस्ट्रीज खाएं, रोटी नहीं है तो लोग केक खाएं। ठीक है, अगर रोटी उपलब्ध नहीं है तो रानी ने नहीं किया था। यहाँ भी जब बाढ़ आया था तो यहाँ के एक राजनेता जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कहे थे कि भाई अब घर के नज़दीक गरई और पोठी मछली आ गया, जब लोग पेड़ पर रह रहे थे और आग नहीं था, तो गरई और पोठी मछली घर के नज़दीक आ गया, मतलब छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो हर जगह मिल जाती हैं, तो ये कह करके लोगों को बहलाना, तो ये बहलाने वाली बातें यहाँ चलती रहती हैं। पटना शहर के सारे सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, मोहल्ला का, और पटना शहर के जितनी भी सड़कें हैं मेन रोड छोड़ करके वो पर्वतारोहण का एहसास दिलाती हैं। ट्रैकिंग करने जाना है तो कहीं नहीं जाइए, बिहार में मोहल्ले से मेन रोड तक आप चले जाइए पैदल या गाड़ी से, ट्रैकिंग जोन है ये, मतलब मैंने यहाँ ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो लोअर रोड है पटना का, एक अपर रोड, एक अपर रोड लोअर रोड कहलाता है, अपर रोड है अशोक राजपथ, उसके पैरेलल यहाँ गांधी मैदान से एक सड़क जाती है मुसल्लेपुर हाट तक, तो लोअर रोड में खूब ऊंचा ढाल दिया गया, और उसकी बगल की गलियाँ सामान्य बारिश में घरों में पानी घुस जाता है। धन्यवाद प्रदर्शी जी, आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं तो चाहूँगा कि फिर आप बुलाएं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।